आवाम की तरफ। बहुत गर्मी है यार, जितना ये काम डिफिकल्ट है ना उतना व्यूज नहीं आ रहा है। डिसार्ट हो रहा हूँ, पहले क्वेश्चन तलाश करो, फिर उस पर रिसर्च करो, फिर उस पर आवाम का रिव्यू लो, फिर उसकी एडिटिंग करो, फिर अपलोड करो, और फिर सबसे परेशानी ये लो कि भाई व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा। फिर तरह तरह के तरीके आजमाओगे सर बॉस, देखेंगे कोई ना कोई और सही, और ना तो और सही। अच्छा भाई, अरे भाई छोटे भाई, दो चार बातें करनी है आपसे, इंटरव्यू छोटा सा आपको। छोटा साहब का इंटरव्यू लेना है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आपको शायद थोड़ी सी हिस्ट्री का पता होगा, पहले भी पाकिस्तान जब रशिया आया था ना अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की थी, असलाह फराहम किया था, फॉर ट्रेनिंग दी थी, फलां फलां, उसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जारी बात है। और अभी जो नया इंकशाफ हुआ है कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर है ना, उसमें जो असलाह इस्तेमाल हो रहा है ना, वो पाकिस्तान की जो असला फैक्ट्री का बना हुआ है। ये मेरा क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान को ये वो असला उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या पाकिस्तान किसी की जंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अब रशिया और यूक्रेन की वार है, हमें इस जंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन। स्टार्ट करें जो भाई, क्या नाम सर आपका? सनी लेना चाहिए, शुक्रिया। सर मैं बताता हूँ सर, क्या बस आप पढ़े लिखे थोड़ा सा आए बातचीत करो, एक मिनट में सर से क्वेश्चन की है। अच्छा सर, क्वेश्चन मैं ये करूँगा आपसे, अभी नया इंकशाफ यह हुआ है, शाप हुआ कि पाकिस्तान की जो रशिया में यूक्रेन में असला इस्तेमाल हो रहा है ना, वो इंकशाफ ये हुआ कि वो पाकिस्तान की फैक्ट्रीज का बना हुआ, पाकिस्तान की असला फैक्ट्री का बना हुआ, चाहे वो पाकिस्तान से गया या पाकिस्तान से दूसरे मुल्क गया, फिर उधर गया यूक्रेन में। तो सर मैं आपसे ये पूछूं, क्या पाकिस्तान को किसी की जंग में आप हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही यूक्रेन अपना रशिया की जंग में जाकर यूएसए के साथ अफगानिस्तान के साथ लड़कर बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है, तो क्या हमें किसी दूसरे की जंग में जाना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान का असला फराम करना चाहिए कि नहीं करना। मैं क्वेश्चन करता हूँ, कलाम सर मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बताता हूँ सर आपको, सारा सिनेरियो बताऊँगा, इधर आए, जिसके खिलाफ बोलना है, किसी के खिलाफ नहीं बोलना, इंटरनेशनल लेवल का सवाल है। अच्छा मैं बताता हूँ, इधर आ जा, आ जा, आ जा, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा आ जा, कोई इशू नहीं सर, ठीक आ रहा है। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि एक इंकशाफ किया गया, एक वीडियो जारी की गई है कि उसमें जो असला जा रहा है, कि जारी बात है रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, तो यूक्रेन के जो भी मुल्क असला भेजता है या जिस मुल्क असला जाता है यूक्रेन के पास, वो उसकी वीडियो जारी करके ना अपलोड करता है। तो मेरा सर क्वेश्चन ये है कि वो जो असला जा रहा है ना, वो पाकिस्तान की जो बनिया है असला फैक्ट्री उधर उनका बना हुआ है, तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा, क्या पाकिस्तान को यूक्रेन का साथ देना चाहिए अगेंस्ट रशिया, क्योंकि अभी हमारे कुछ तलुकात रशिया से मतलब 20-25 साल से ख़राब हुए, अब कुछ बेहतर होने जा रहे थे,
इमरान खान दौर में, तो क्या आप पाकिस्तान किसी की जंग में जाना चाहिए? पहले हम जंग में उनकी अपना अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग में कितना नुकसान उठा चुके हैं, उसके उससे पहले रशिया और अफगानिस्तान की जंग में हम कितना नुकसान उठा चुके हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान को अब किसी की और की जंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? शुरू करो मैं क्वेश्चन मेरा। क्या नाम सर? मुमकिन है। मेहरबानी सर। बताता हूँ साहब, इधर तो आ गए। सर सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान को किसी दूसरे की जंग में अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पाकिस्तान क्या इसके मुतहम्मल है अब इसका, क्योंकि अभी शाब ये हुआ कि जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा है ना असला, वो पाकिस्तान की फैक्ट्रियों का बना होगा। जिस तरह पहले कहा जाता है देता रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान को असला देता रहा, सपोर्ट करता रहा, तो ये मेरा सवाल क्या पाकिस्तान को अब किसी की जंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पाकिस्तान के जो वैसे हालात चल रहे हैं, स्टार्ट कर। क्या नाम सर आपका? इनको मेहरबान। ओके, क्या यूक्रेन की जंग चल रही है और रशिया के जो भी मुल्क जिस भी मुल्क से असला जाता है ना, उनकी ये स्ट्रेटजी है कि वो उनकी वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। अभी उन्होंने जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया यूक्रेन ने, उन्होंने ये दिखाया कि ये असला पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान का, हाँ पाकिस्तान की फैक्ट्रीज का बना हुआ असला। तो सर मैं क्वेश्चन ये कि क्या पाकिस्तान को सबसे पहले तो क्या ये बात ठीक है, मानते हैं कि ये पाकिस्तान भेज सकता है, उससे मैं पूछूँगा क्या पाकिस्तान को किसी की जंग में अब जाना चाहिए? जिस तरह हम पहले अफगानिस्तान और यूएसए की वॉर में हमारा मुदाफ़ा समझी जाती थी, क्या हम मुतहम्मल हैं? अगर हम जा रहे हैं पांच को प्रैक्टिकल कौन सा आ गया आपका? कंप्यूटर का, एडीएस वाला, एडीएस वालों का है, बीएससी का पांच को आज पहली है ना, कल तो छुट्टी आ गई, बंद हो गई, इसी वजह से एक प्रिंटिंग में गई भी है, आने वाली है इंशाल्लाह, हफ्ते को चेक करना आप सैटरडे को इंशाल्लाह। यारे बनी बनाई नहीं मिलती? नहीं बना, ये दूसरी भी है। ये वाली भी नहीं आती? अच्छा समझ आ गई सवालों को, जो बनवाते हैं बनवा के भी देते हैं इनके। आप उन्होंने वीडियो वायरल किया कि पाकिस्तान से असला आया, उनकी फैक्ट्री का बना हुआ असला पाकिस्तान से आया है या किसी दूसरी कंट्री, पाकिस्तान से उस कंट्री क्या होगा ये उस पर पक्ष क्या करें, बनवा के देते हैं वो, बनवा के टाइम ही नहीं। ये सुबह आपकी वीडियो आपके पास आ रहा है, अब किससे ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप सारे स्क्रिप्टेड बनाते हैं वीडियोस, तो ये मैंने तीसरा चौथा दिन आया, मैं पूरी की पूरी जितनी एक घंटे या डेढ़ घंटे की वीडियो बनती है उसको थोड़ा सा एडिट करके बिहाइंड द सीन भी लगा रहा हूँ कि ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे, ना मैं किसी को सिर्फ क्वेश्चन बताना होता है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप मुझे आंसर बता के हमने क्या बोलना, मैंने कहा नहीं ये फेक हो जाएगा। अभी देखते हैं कोई थोड़ा सा आगे कर, अस्सलाम वालेकुम, बात तो सुन ले प्यारे, अब कोई मिले देखूं आगे चलें।
अस्सलाम वालेकुम सर, बात सुनो। देखें अब कौन आता है। मुझे ना समझ नहीं आ रही क्या वजह है, मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। जिसके पास ये मेरी वीडियो पहुंचे, अगर किसी को पता हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो चैनल की सेटिंग में। कोशिश तो बहुत की है देखते कब। दो चार बातें करें खड़े तो इस बार। इधर आ जा बेटा, तू आओ पुत्र जी, कोई कराओ यार, बता दे अगे बोल लेंदा वे कि नहीं। मुंडा बोलेगा क्या, उसे आप ही बोले, वो भी बोले। मैं तो बोलूंगा, दसो सर। पहले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान को, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री का पता होगा, पाकिस्तान ने पहले यूएसए और अफगानिस्तान की जो जंग हुई थी, जब यूएसए इधर आया था तो पाकिस्तान ने ये मतलब कि ना उनको साथ दिया था, यूएसए को अड्डे भी दिए थे, मतलब पाकिस्तान उस वार में कोऑपरेट किया था यूएसए को। तो अब जो यूएस अपना यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है, इसमें अब ये इंकशाफ हुआ है कुछ पाकिस्तान की फैक्ट्रीज का बनाया हुआ असला इस्तेमाल हो रहा है रशिया के खिलाफ। तो सर मेरा क्वेश्चन यह, क्या पाकिस्तान ये ठीक कर रहा है, या क्या इस बात में कितनी सदाकत है? अगर पाकिस्तान ये कर रहा है तो क्या अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? इसके आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान के लिए कितने ख़तरनाक होंगे, ये मेरा सवाल है। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? मालूम भी होनी चाहिए सर। आपने ये सब बात करने की, क्या पाकिस्तान किसी की जंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बस मैं ये पूछना है, उसके बाद शुक्र है, मेहरबानी। ट्रंपल है यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान में, फिर अफगानिस्तान को सपोर्ट किया यूएसए के खिलाफ, पता कि इस तरह। और अब जो इंकशाफ हुआ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब जो इंकशाफ हुआ वो ये हुआ है कि जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा है ना असला, वो पाकिस्तान के असला फैक्ट्रीज का है, मतलब तो पाकिस्तान के असला फैक्ट्री का बना हुआ है, ये बात की जा रही है। लोग हैं, देखा आपने, बड़ा इंटरेस्टिंग भाई ने। सर उधर खड़े हो, उधर ही आ जाओ, लगा लें सर, लगा लें। मैंने कौन सा आपको रोकना, सर क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, पहले समझ कि हमें क्या अब किसी के वार में जलना चाहिए, किसी एक मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए? फर्क जिस तरह रशिया और यूक्रेन की वार लगी है, क्या हमें किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए या हमें न्यूट्रल रहना चाहिए या हमें इन दोनों के मालक सुलह करवानी चाहिए? मेरा क्वेश्चन है इस पर, फिर मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन करता जाऊँगा। करें शुरू जी, करो। क्या नाम सर आपका? मेहरबानी सर।